अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो, वालेकुम सलाम। यस सर। सही। अच्छा, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की लैब करेंगे। ये हमने अभी पहले तो नहीं ये लैब की भी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की। नो सर, मेरे ख्याल है ये लैब नहीं हमने पहले की भी। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है जी? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एन ऑपरेटर दैट ट्रांसफॉर्म अ सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा मेथड है जो टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाता है सिग्नल को। फोरियर ट्रांसफॉर्म फंड अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन सिग्नल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, The course we are usually interesting is exploring the frequency content of a signal. The Fourier transform of continuous time signal is defined as. इसके हमें काफी सारे फायदे हैं कि हम frequency domain में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके चीजों को देखते हैं। तो Fourier transform by definition क्या चीज है? By definition हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक signal x of t है, आपने उसको time domain से उठा के frequency domain में लेके जाना है, तो आप इस formula के जरिए Fourier transform हासिल करेंगे उस signal का कि x of t को मल्टीप्लाई करेंगे e raise to power minus j omega t और इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक। तो ये आपके पास जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस सिग्नल को फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक सिग्नल ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी डोमेन में है, जिस तरह के ये राइट साइड वाले कॉलम के अंदर है कि कैपिटल x of j omega, इसको आपने e raise to power j omega t से मल्टीप्लाई करके माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक इंटीग्रेट करके 1/2π से डिवाइड करेंगे, तो हम वापस उस ओरिजिनल x of t में पहुंच जाएंगे जो कि हमारा टाइम डोमेन का सिग्नल है। उसके बाद अब के देर आर टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट वन शुड रिमेम्बर। वो क्या है कि जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल हैज डिस्क्रीट वैल्यूज और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल हैज अ कंटीन्यूअस वैल्यूज। कि अगर आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है, डिस्क्रीट वैल्यू होंगी। अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो उसकी कॉन्टीन्यूस वैल्यू होंगी। अब मैटलैब में देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, वैसे तो आपको आपने शायद कोई असाइनमेंट्स वगैरह या एग्जाम पेपर में फोरियर ट्रांसफॉर्म्स निकाले हों सिग्नल के, उस पूरे को जो है मैथमेटिकली सारी इक्वेशन सॉल्व करके जो है वो। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। सर सही आ रही है। ओके, चले मैं माइक रीस्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब मेरा ख्याल है अब कुछ बेहतर होगी। यहाँ पर हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म इन मैटलैब। फोरियर ट्रांसफॉर्म इन मैटलैब जो है कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म इन मैटलैब किस तरह से निकालनी है, बजाय इसके कि हम पूरे प्रोसेस के जरिए दोबारा गुजरें और उसकी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जी, मैटलैब हैज अ बिल्ट इन फंक्शन फोरियर and I Fourier for calculating the Fourier transform and inverse Fourier transform
for inverse Fourier transform respectively. Consider the following signal. अगर हमारे पास ये सिग्नल है एक, then the Fourier transform of the signal can be found by performing the integration using the following MATLAB command. अगर हमारे पास ये एक सिग्नल है, वो सिग्नल क्या है? ये जीरो एल्सवेयर है, और जब टी जो है यानी कि टाइम ए बाय टू से एब्सोल्यूट ऑफ टी जो है वो ए बाय टू से कम है, उस टाइम पे हमारा सिग्नल सिर्फ वन है. अगर हमने ऐसे सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो यहाँ पे एक कह लें कि सिंबॉलिक मेथड गिवन है कि हम एक सिंबॉलिक सिस्टम बना रहे हैं, जस्ट समझने के लिए एक सिंबॉलिक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर तीन सिंबल्स हैं ए टी और एफ. ये एक सिग्नल है, सिग्नल क्या है? टी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ टी. ये सिग्नल हमने जो ऊपर बनाया, ये टी, ये इसके ऊपर है टी के ऊपर. तो ये हमारे पास सिग्नल इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ टी. यू ऑफ टी क्या है जी? वन प्लस सिग्नल डिवाइडेड बाय टू. ये इसकी पल्स आ गई. अच्छा, अब ये जो पूरा सिग्नल लिखा है ना इसने, ये जो पल्स इज इक्वल टू दिस, ये बेसिकली सिंबॉलिक सिस्टम के अंदर उसने ये लिखने की कोशिश की है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. वो क्या है कि जी वन बाय टू टी प्लस हाफ ए डिवाइड बाय टी प्लस, और मतलब ये पूरा प्रोसेस किया है. अब ये वैसे देखने में ही बड़ा जो है वो मुश्किल प्रोसेस है, बजाय इसके कि हम इस तरह सिंबॉलिक सिस्टम के अंदर इसको लेके जाएं. हम इसको एक और तरीके से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं. जो कॉन्टिन्यूस टाइम ये जो था, ये साथ में ही हम इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक दफ़ा देख लेते हैं, और फिर उन दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे. इसमें एक डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज फॉर डिस्क्रीट टाइम, दैट इज सिंपल सिग्नल इन मैटलैब दैट इज डिफाइंड है. जिस तरह वहाँ हमने कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा जिसके अंदर इन्फिनिट मतलब इंटीग्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम में थी, एन की जगह टी था. यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है. अगर आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन है, आपने इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है यानी कि एक्स ऑफ के में, तो इस फॉर्मूले के जरिए आप इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जा सकते हैं. और इसी तरीके से अगर आपके पास एक कैपिटल एक्स ऑफ के यानी कि एक फ्रिक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है, इसे आप टाइम डोमेन में लेके जाना चाहते हैं या सैम्पल्स में लेके जाना चाहते हैं, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल टेकिंग द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एन. इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स वी आर टॉकिंग फ्रॉम द सिग्नल फॉर द ट्रांसफॉर्म. देर आर थ्री केसेज विद रिगार्ड टू एन, यानी कि जब हम इसके अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, हमें डिस्क्रीट कोई पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जिसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्म लेंगे, उसमें ये कुछ केसेस बनते हैं. वो केसेस क्या हैं? एक केस है कि एन, एन क्या चीज़ है? एन लेंथ है उस पूरे सिग्नल की, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लेने हैं यहाँ पे. जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर आप ये कह लें कि टाइम पीरियड या कैपिटल एन, जिस तरह वहां पे कैपिटल टी था ना, आप एक तरीके से समझ लेंगे ये यहाँ पर जो कैपिटल एन है, ये उसका उसकी एनालॉजी है डिस्क्रीट टाइम के अंदर. तो अगर आपका टाइम पीरियड या कैपिटल एन जो है वो लेस देन है लेंथ ऑफ सिग्नल से, रिजल्ट इन अ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस व्हिच डजंट शो ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सिग्नल. यानी कि अगर आपके पास एक सिग्नल है जो कि कम अज कम 10 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक सिग्नल है जो 10 पॉइंट्स मिलके एक सिग्नल शो हुआ है, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो लेट से है 12, तो अगर हम इस सिग्नल का फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो हमें सारी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जो हैं वो उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो हमारे पास टाइम पीरियड था बेसिक कैपिटल एन था वही ज्यादा था नंबर ऑफ सिग्नल से, यानी कि पूरा सिग्नल रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए हम.
दूसरे केस में है कि n कैपिटल n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिग्नल, जितनी लेंथ ऑफ सिग्नल है उतना ही n है, यानी कि अगर लेंथ ऑफ सिग्नल 12 है और n भी 12 है, पूरा पूरा बस उतना ही सिग्नल है. रिजल्ट इन अ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दैट गिव ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द सिग्नल एट देयर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज. फिर एक केस है कि कैपिटल n जो है वो ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ सिग्नल से, द डीएफटी ऑफ द सैंपल सिग्नल बिकम क्लोज टू ट्रांसफॉर्म ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इन डीटीएफटी. तो ये इसकी बस एक समझने के लिए दो तीन बातें थी. अच्छा, अब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मैटलैब में कैसे लें? कागज पे तो शायद आप लेते हो कि पूरा फार्मूला के जरिए से गुजार के या कोई प्रॉपर्टीज यूज करके या कुछ किस तरह करके आप उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो. मैटलैब में किस तरह से करना है? मैटलैब के अंदर व्हेन वी सैंपल अ सिग्नल एंड वांट टू गेट इट फोरियर ट्रांसफॉर्म, वी परफॉर्म व्हाट इज कॉल्ड डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, an algorithm to do a discrete Fourier transform quickly is called fast Fourier transform FFT. अच्छा, MATLAB के अंदर अगर आपने किसी सिग्नल का discrete Fourier transform लेना है तो उन्होंने MATLAB ने एक और faster algorithm बनाया हुआ है FFT के नाम से, जो कि उस सिग्नल का discrete Fourier transform ही लेगा, लेकिन वो computationally algorithm ज़रा तेज है. तो FFT के नाम से उन्होंने fast Fourier transform के नाम से MATLAB के अंदर ये मौजूद है. The algorithm is fast if the number of point is a power of 2. ये मैं बताता हूँ वो power of 2 क्या है. The discrete Fourier transform of a sampled pulse will be a scaled version of Fourier transform of a pulse in continuous time. MATLAB uses the following command to find the DFT of a signal. अच्छा, यहाँ पर the algorithm is fast. अगर आप points जो हैं वो power of 2 में लेने का ये मतलब है कि अगर आप पावर ऑफ टू के अंदर जिस टाइम अभी FFT की कमांड यूज़ करेंगे उसको हमें पॉइंट्स बताने पड़ते हैं कि कितने पॉइंट पे आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. अगर वो जो पॉइंट्स हैं वो पावर ऑफ टू में होंगे ना, तो FFT का एल्गोरिदम बहुत फास्टली कंप्यूट करता है. यानी कि लेट से हम उसे कहें कि आप 256 पॉइंट्स के लिए FFT कंप्यूट करो, तो वो बहुत जल्दी से करेगा. लेकिन अगर आप 256 चूंकि 2 रेज टू पावर कुछ 256 बनता है ना, अगर हम इसको 270 कह दें या 260 कह दें, हालांकि हैं बिल्कुल साथ साथ ही, 3-4 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन उस केस में इसकी एल्गोरिदम की जो स्पीड है वो ज़रा कम हो जाती है. तो FFT जब हम यूज़ करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इस नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो पावर ऑफ 2 में दिए जाएँ. अच्छा, अब द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT is an efficient algorithm for computing the DFT of a sequence. It is not a separate transform. ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, वही DFT है, बस उसको compute करने का ज़रा तेज़ी से compute करने का तरीका है. It is particularly useful in areas such as signal and image processing, where it uses range from filtering, convolution and frequency analysis to power spectrum estimation. बहुत सारी चीज़ों में इसकी applications हैं signal systems के अंदर. To find the inverse discrete Fourier transform, उसके लिए एक और IFFT की command मौजूद है MATLAB के अंदर, जो inverse fast Fourier transform compute करती है. To represent the equation in MATLAB, avoiding loops, we transform the simulation into equivalent matrix operation by. अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किए कि loops avoid करने के लिए एक कोड बनाया n k n z पे जीरोस बना लिए, w इज इक्वल टू 2 पाई k n, और मतलब जो इक्वेशन थी पूरी ट्रांसफॉर्म की वो खुद से लिखने की कोशिश की है कि ये आपका x ऑफ t हो गया, x ऑफ t को e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा से मल्टीप्लाई करके x हासिल करने की कोशिश की है. ये जस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए था. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT. The output of discrete time Fourier transform of a signal is the same as Fourier transform of the signal. DTFT can be visualized by DFT of a signal such that the number of points is very large. In such a case, the frequency spectrum of a sampled signal become very close to frequency spectrum of the original signal. मतलब आप अभी के लिए समझने के लिए कह लें कि जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो दोनों मोर और लेस सेम है. ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म
का फॉर्मूला है एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ ई जे ओमेगा में जा रहा है और यहाँ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा से एक्स ऑफ एन में जा रहा है. तो ये क्या नाम है, कंसीडर द फॉलोइंग सिग्नल, ये वही वाला सिग्नल है. ये इन्होंने सिम्बॉलिक सिस्टम बनाया है, एक सिम्बॉलिक सिस्टम एफ और एन के लिए, और इसके अंदर इम्प्लीमेंट क्या कर दिया है, ई रेज टू पावर टू जे ओमेगा और एन नंबर ऑफ कम्प्यूटेशन माइनस टू से लेकर टू तक सिग्नल है. तो ये एक्स सिग्नल इन्होंने यानी कि जो इक्वेशन थी वो खोल के बयान करने की कोशिश की है. अच्छा, अब ये इससे रिलेटेड बात करने की ज़रूरत ये थी कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक